अलग है और चरित्र अलग है। प्लीज जो थोड़ा समझदारी से सुनते हो भागवत विशेष ध्यान दें, लीला अलग है और चरित्र अलग है। लीला में लालित्य की प्रधानता है तो चरित्र में मर्यादा की प्रधानता है। भगवान कृष्ण को क्या कहा गया? लीला अवतार। लेकिन राम को क्या कहा गया? मर्यादा। ध्यान से समझना जरा इसे। लीला में लालित्य की प्रधानता है तो मर्यादा में चरित्र की प्रधानता है। अब राम जी के आप चरित्र को देखो, ध्यान रखना, कृष्ण मर्यादातीत हैं। प्लीज जरा समझना इस वाक्य को, मर्यादातीत है मतलब मर्यादा को तोड़ा नहीं है, मर्यादाओं से भी ऊपर है। देखना, मर्यादातीत का मतलब एक अर्थ लोग कर सकते हैं मर्यादा का अभाव, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो मर्यादा के को बहुत ऊपर से जाती हैं, मर्यादातीत हैं। ये अनपढ़ जो इनको किसी गुरु ने ठीक से नहीं पढ़ाया, नास्तिक, वही ये आरोप लगाते हैं कृष्ण उनकी तो इतनी रानियां थी वो कोई मर्यादा है, ये कोई लीला है। ओहो, अरे वो मर्यादातीत हैं, मर्यादा से ऊपर हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। अच्छा, देश में संविधान सबके ऊपर लागू है, लेकिन आपको पता है अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने फांसी की सजा दी हो, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो, देखो जी, वो संविधान से ऊपर आ गया, संविधान को तोड़ा नहीं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, राष्ट्रपति संविधान से भी क्या हो गया? ऊपर हो गया। वो जो अपराधी है वो उसको क्या करता है? क्षमा कर सकता है, मृत्यु को क्षमा। आप सोचो, एक देश का एक राष्ट्रपति जब मर्यादा से ऊपर हो सकता है तो भगवान मर्यादा से ऊपर क्यों नहीं हो सकते? सोचो जरा, उनको यह भी अधिकार नहीं है? एक हांड मास के शरीर के व्यक्ति को बोल दिया गया कि वो मृत्यु से भी उधर कर सकता है, तो आपके ईश्वर को यह भी अधिकार नहीं है कि वो मर्यादा से ऊपर कार्य कर सके? और कृष्ण ने किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा, लेकिन मर्यादाओं से अतीत, जहां मर्यादाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता, ये कृष्ण की लीला में देखने को मिलता है।